Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine, good and safe at your homes. Unit number 13, Electrostatics. And the topic is Electric Potential 13.6, page number 115. So, Electric Potential, jise hum represent karte hain V se. ठीक है, अब सबसे पहले हम इसे डिफाइन कर देते हैं दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इसकी डेफिनेशन हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से लेते हैं, दैट इज वी इज इक्वल्स टू यू डिवाइड बाय क्यू. मींस दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी यू पर यूनिट चार्ज. यू इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी. एंड क्यू इज द चार्ज. फिर वो कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. कि हमारे पास जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. रिगार्डलेस ऑफ अ चार्ज ऑब्जेक्ट हैज बी प्लेस्ड इन दैट फील्ड. बिकॉज कहता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. वो इस बात को नहीं देखेगा कि वहाँ पे चार्ज ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ. ठीक, कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. लेकिन हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या थी बच्चों? स्केल वेक्टर क्वांटिटी थी. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो इट मींस दैट इसके जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स होंगे, जिसके प्रॉब्लम्स होंगे, उन्हें सॉल्व करना हमारे लिए ईजी होगा. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एवरीवेयर इन अ स्पेस एज अ वैल्यू बट हैज नो डायरेक्शन. अब स्केलर क्वांटिटी का वो बता रहे हैं कि ये कैसे स्केलर क्वांटिटी है. कि ये इसलिए स्केलर क्वांटिटी है कि ये हम बता सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लेकिन हम नहीं बता सकते कि इसकी डायरेक्शन क्या है. हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताते थे ना कि हमारे पास जब पॉजिटिव होगा तब क्या होता है? आउटवर्ड होती है उसकी डायरेक्शन, और जब नेगेटिव चार्ज होता है तो तब वो इनवर्ड होती है, कन्वर्जिंग होती है. लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम ऐसा कुछ नहीं बता सकते. इट हैज नो डायरेक्शन. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल वी से. डिफरेंस क्या होता है? फाइनल और इनिशियल जो वैल्यू होती है उसका चेंज जो होती है उसे हम डिफरेंस कहते हैं. डेल वी मीन्स वी एफ माइनस वी आई. जैसे ये देखें VF माइनस VI. तो कहता है हमने एक लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बात आप कोर्स से सुनिएगा, अपने बुक की पेज फिगर नंबर 13.11 को भी साथ देख लें. कि आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक चार्ज को मूव कराना है, राइट. अब आपके पास जो ओरिजिनेशन का पॉइंट होगा जहाँ से फील्ड ओरिजिनेट हो रही है वहाँ पे क्या होगी? उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द फॉर अवे पार्ट. जो से दूर होंगे वहाँ पे फील्ड कम होगी. तो क्या होगा कि हम एक पॉइंट ले रहे हैं, उस पॉइंट को वो चार्ज मीन्स के वो हम एक प्लस क्यू, ठीक, कोई भी चार्ज पॉइंट ले रहे हैं और उसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराना है. तो हम जब उसे मूव कराएंगे एट पॉइंट ए टू बी, ए हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पे फील्ड की इंटेंसिटी कम है, स्ट्रेंथ कम है, एंड बी पे आके वो ज़्यादा हो जाती है. ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि हमने ये जो चार्ज को मूव कराया है हम एक्सटर्नली कोई इस पर वर्क कर रहे हैं, कोई एनर्जी दे रहे हैं. ऐसे तो नहीं मूव कर सकता ना, हम बाहर से इस पर वर्क करेंगे, कोई एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो चार्ज उस फील्ड के अंदर मूव करेगा. ठीक, तो अब हम इस चीज़ को कैसे डिफाइन करते हैं? डेल वी मीन्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस. वो क्या है? वी एफ माइनस वी आई. वी एफ माइनस वी आई लास्ट हमने पढ़ा, ये क्या है? यू डिवाइड बाय क्यू. ठीक है, U डिवाइडेड बाई Q को हम क्या भी कह सकते, दैट इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब कोई बॉडी हमारे पास वर्क कर रही है तो हम उसे पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं. तो हम आपकी बुक में W डिवाइडेड बाई क्यू भी इसके लिए लिखा हुआ है. ठीक, अब हमने क्या किया? यू एफ क्यू फाइनल के लिए V की वैल्यू डाल दी और यहाँ पे वही वैल्यू हमने माइनस के साथ डाल दी. ठीक, देन आप यहाँ पे देखें हमने लिख लिया डेल यू. अब यू की चेंज आ रही है, पहले हम डेल वी कह रहे थे, वी की हमने वैल्यूज डाली, यहाँ पे डेल यू लिख दिया डिवाइड बाय क्यू. हिंस वी कैन रिलेट दिस चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज. वही बात जो मैंने आपको पीछे कही कि हम यू की जगह डब्ल्यू को इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो यहाँ पे हमने डब्ल्यू को इंट्रोड्यूस करा दिया. ठीक, और यहाँ पे ई इसलिए लिखा हुआ है दैट वर्क डन इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक बच्चों, अब ये जो बात मैं आपको कह रही हूँ कि एट द पॉइंट आप फॉर अवे पॉइंट से लेके आएंगे
पोटेंशियल वाली पॉइंट पे, तो वो फॉर अवे या जो दूर पॉइंट है उसे क्या कह रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी, जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम है उसे क्या कह दिया, इनिशियली। एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख रहे हैं इनिशियली वो इन्फिनिटी पे है और बाद में जब हम उसे लेके आएंगे फील्ड में तो हम उसे ई कह देंगे, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी से ई की तरफ। वेयर ई एक्स इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज एज इट ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी, कि हम इन्फिनिटी पॉइंट से जब वर्क डन करके उसे फील्ड में लाएंगे तो तब हम उसके लिए ये फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो बट हैज नो डायरेक्शन, ये देखिए यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए नेगेटिव डायरेक्शन है, लेकिन आप अपनी बुक में देखें तो वहाँ आपके पास कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, राइट। तो कहता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकता है क्योंकि, एंड फर्दर मोर उसने कहा कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन क्यों नहीं होती, बिकॉज इट इज स्केलर नॉट अ वेक्टर। नाउ देन ही इज टॉकिंग अबाउट द यूनिट, कि हमारे पास यूनिट क्या होती है, हमारे पास पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट। क्या है बच्चों, नाउ हियर इज द डिस्कशन ऑफ द वोल्ट, के वन वोल्ट कितना होता है। तो कहता है हमारे पास जो वोल्ट है दैट इज जाउल पर कूलम, जाउल पर कूलम की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ये हमारे पास वोल्ट है। ये हमारे पास एक इटालियन फिजिस्ट था जिसने 1745 to 1827, ये हमारे पास डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ होती है, ठीक है, तक काम किया। एंड फिर वो कहता है कि वन वोल्ट कितना होता है, तो हम कह सकते हैं, हम कहते हैं द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज वन वोल्ट, कि हमारे पास पोटेंशियल वन वोल्ट होगा जब हम वन जाउल ऑफ वर्क करेंगे एक पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए, और वो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, वन कूलम थ्रू द पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल, ठीक है बच्चों, कि हम जब वन जाउल ऑफ वर्क करेंगे ऑन वन कूलम ऑफ चार्ज, ठीक, तो हमारे पास तब वो क्या होगा, वन वोल्ट होगा। कहता है विद दिस डेफिनेशन ऑफ वोल्ट वी कैन एक्सपेक्ट द यूनिट्स ऑफ वोल्ट। अब कहता है यूनिट हमारे पास क्या बनेगी, देखें बच्चों वोल्ट, ये ई, ई इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही ना, ई आ गया जाउल इन फोर्स, ठीक, एंड सी इज व्हाट फॉर द चार्ज, क्यू। अब हमारे पास फोर्स के लिए क्या है, न्यूटन, चार्ज के लिए कूलम्स, ठीक है, न्यूटन के लिए वो लिख रहता है न्यूटन पर मीटर, ऐसे ही होता है ना, तो हमारे पास यहाँ पे सी वैसे ही आ गया और यहाँ पे हम आ जाते हैं जे बाय एम वी डिवाइड बाय एम, ठीक है। और वी बाय एम हमने किसके लिए यूज़ किया था, आप जरा अपनी बुक का पिछला पेज देखें, तो हमारे पास वी बाय एम हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक बच्चों। आई मस्ट से इट शुड बी क्लियर, लेकिन अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क, ठीक बच्चों, अल्लाह हाफिज़।